Let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास टेंथ के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें हमने 8.3 तक के सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है और जो भी हमारे थ्योरी थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से उसके आगे की जो भी थ्योरी है जिससे हम लोग 8.4 को करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक है त्रिकोणमिति सरसमी का आइडेंटिटी जो कहलाता है वो क्या होता है, कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे कि साइन को स्क्वायर कर दो और कॉस को स्क्वायर कर दो, जब आपस में जोड़ेंगे तो उनका वैल्यू एक होता है, तो कैसे होता है इस वीडियो के माध्यम से पूरा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो आप पूरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगा कि त्रिकोणमिति के तीन बहुत ही अति इम्पोर्टेंट जो सरसमिका है उसको उत्पत्ति कैसे हुई और इसका यूज कैसे कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो सरसमिका होता है उसका उपयोग कहां पर होता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर हमारे तीन त्रिकोणमिति सरसमिका है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्लास टेंथ के बच्चों को बोर्ड के परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो इस वीडियो में हम आपको बस सिद्ध करके बताएंगे कैसे ये तीनों सरसमिका उत्पत्ति हुई थी, यहीं से धीरे धीरे एक एक सूत्र बनते गया त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमारा कैसा होता है, समकोण होता है। समकोण त्रिभुज से ही हमारा लंब कोण आधार ज्ञात होता है और वहां से हमारा छह हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक और कोसेक, छह की उत्पत्ति होती है। तो अभी हम लोग को हमको न्यून कोण के बारे में ही 10 तक पढ़ना है। 10 के बाद जब आप 11th में जाएंगे या 12th में जाएंगे तो वहां पर आपको एकदम आपको पूरा फंक्शन के बारे में बताया जाता है किसी भी कोण के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बाबू मान लीजिए ये हमारा कोण है, इसको मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं सी। तो अब यहां पर देखिए कोण भी हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, अब समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा तो फिक्स है कि कर्ण होगी, यानी ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। अब मानते हैं इसको, हमने क्या मान लिया, इसको मान लेते हैं थीटा, ये वाली भुजा हमारी लंब होगी और ये वाली भुजा हमारी आधार होगी। होगी, मान लेते हैं इसको कर्ण को के से डिनोट करते हैं, आधार को ए से और लंब को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज से हमारी उत्पत्ति हुई थी। तो अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि जो कर्ण का होता है, जो कर्ण भुजा होती है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि लंब का स्क्वायर, ये दो बाकी जो भुजा बच रहा है इन दोनों को स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। ये थ्योरेटिकल इसको आपने हम बताया था कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर दीजिए आधार का स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ठीक है, यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब देखिए, हम लोग इतना पता हो गया आपको पाइथागोरस प्रमेय से ही, अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से तीन हमको सूत्र लाना है। तो सबसे पहले अब मानते हैं समीकरण नंबर 1 है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, दोनों पक्षों में एक कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 पे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो कर्ण के स्क्वायर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाग दे देंगे किससे, के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई के स्क्वायर बटा के स्क्वायर, भाग दे देंगे। अब ये अभाव कैंसिल हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर कर्ण, अब के स्क्वायर ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर इजकल टू 1 होगा ना। अब आगे देखो बाबू, अब यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर हम लिख देंगे लंब बटा कर्ण का
स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर यहाँ पर दिया है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख सकते हैं, प्लस उसी प्रकार इसको लिख के देंगे आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। इस वाले पार्ट को ए बटा के को क्या लिख सकते हैं, ए बटा के का स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको बाबू? अब देखो, चूंकि आपको पता है कि लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, और आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर्ण साइन कॉस थीटा का होता है ना। तो यहां पर देखिए लंब बटा कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। हमने आपको ये ट्रिक भी बताया था, लाल बटा कक्का से याद रखिएगा, ये पहला नंबर है साइन थीटा का लाल बटा कर्ण, सेकेंड नंबर है कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, और थर्ड नंबर है लंब बटा आधार टैन थीटा का। अब ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, और ये सिक्स हो जाएगा। फोर्थ हमारा यानी कि कॉट, फिफ्थ हमारा सेक, और सिक्स हमारा सेक। इसको नीचे से देखते हैं कर्ण बटा लंब के रूप में। तो यहां से आप ये ट्रिक याद रखिएगा। अब ये वाला देखिए, लंब बटा कर्ण के जगह पे साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। दोनों का वैल्यू क्या कर देंगे, वन के बराबर रख देंगे। अब बताइए आगे, साइन स्क्वायर को, अब यहां पर साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान सेम बराबर होता है। ठीक है, और उसी बार कॉस थीटा स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यही हमारा एक क्या है, एक आइडेंटिटी त्रिकोणमिति का सूत्र यहां से बन गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है तो कैसे होती है। तो कैसे होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हमारी होती है। पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों को आपस में जोड़ दो, बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर का। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिया, कर्ण इधर कैंसिल हो गया, एक बच गया, इधर जो हमारा सूत्र बनना है उस सूत्र का हम लोग यूज करके इसमें रखेंगे। तो हम पाते हैं कि साइन को जोड़ने पर और कॉस को स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ने पर एक आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी बन गया। अब इतना आप इसको नोट्स कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे दूसरा त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, यहां तक सेम रहेगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर कर्ण के स्क्वायर से भाग दिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर से भाग देंगे। तो एक आइडेंटिटी आपको मिल गया, इतना नोट्स कर लीजिए। अब देखिए, हमने एक आइडेंटिटी ज्ञात कर लिया, अब दूसरा देखिए, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर सेम यही रहेगा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से एक बार भाग दिया था, अब हम लोग करेंगे आधार के स्क्वायर से भाग देंगे। किसके किससे देंगे, आधार के स्क्वायर से। तो अब इसमें आधार के स्क्वायर से भाग दीजिए, तो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आधार के स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर बटा में आधार के स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार के स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बटा में आधार के स्क्वायर। ये देखो आधार के स्क्वायर से आधार के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये हमारा वन हो जाएगा इक्वल टू कर्ण बटा आधार का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार किसका होता है, टैन थीटा का होता है ना, और कर्ण बटा आधार किसका होता है, सेक थीटा का होता है, यानी कि टैन और सेक हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार यानी कि टैन थीटा का स्क्वायर प्लस में वन इक्वल टू कर्ण बटा आधार यानी सेक थीटा का, ये क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बाबू, इतना आपको समझ में आ गया। अब यानी यहां से हमारा एक सूत्र बन गया, टैन स्क्वायर थीटा को एक में जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। एक आइडेंटिटी यहां से मिल गया। अब ये आइडेंटिटी कैसे मिला, जब हमने आधार के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दिया, जब कर्ण के स्क्वायर से भाग दिया तो क्या आया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, जब हमने आधार के स्क्वायर से भाग दिया था तो आ गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, याद करने में सही रहता है, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
तो इतना नोट्स कर लीजिए। उसके बाद लास्ट जो हमारा तीसरा नमक आइडेंटिटी, ये हमारा दो आइडेंटिटी निकल गया। अब आइए देखते हैं तीसरा आइडेंटिटी कैसे निकलता है। अब उसी प्रकार से हमने दो आइडेंटिटी निकाल दिया। अब हमको समीकरण और पाइथागोरस प्रमेय पता ही है, हमने कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिया, आधार के स्क्वायर से भाग दे दिया। अब हम लोग देंगे लंब के स्क्वायर से भाग, लिखेंगे समीकरण वन में दोनों पक्षों में लंब के स्क्वायर से भाग देने पर। तो लंब के स्क्वायर से भाग देंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम वही आ जाता है, आ जाता है ना। हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर बटा एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ बाबू, लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल, ये वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब चूंकि आपको यहाँ पर भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है कि आधार बटा लंब किसका होता है, ये हमारा होता है कॉट थीटा का होता है, और कर्ण बटा आधार किसका होता है, कर्ण बटा यहाँ पर लंब होगा, लंब का स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण बटा लंब क्या होता है हमारा कोसेक थीटा का होता है, यानी कि कॉट और कोसेक थीटा का आपस में संबंध स्थापित होने वाला है। इन दोनों सूत्र को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, वन प्लस आधार बटा लंब को रख देंगे कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कॉट बटा लंब के जगह पर रखेंगे कोसेक थीटा का स्क्वायर रख देंगे। अब आगे देखिए, अब इसको ऐसे लिख देंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा से यहां से तीसरा आइडेंटिटी मिल गया, तीन आइडेंटिटी मिल गया, तीन सूत्र मिल गया, तीन सरसमिका हमको ज्ञात हो गया। यही हम तीनों सरसमिका का यूज करके जो 8.4 के जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं के बेस पर हम लोग एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गया। कौन कौन से हैं, पहला नंबर है कि जब साइन को स्क्वायर करेंगे और कॉस को स्क्वायर करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक आएगा। दूसरा नंबर हमने देखा कि वन में टैन स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ रही है ना। कैसे सिद्ध किया था आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से, एक बार आधार का स्क्वायर दिया, एक बार लंब का, एक बार कर्ण का। और तीसरा आइडेंटिटी हमने यहाँ पर आपको दिखा कि जब वन में कॉट के स्क्वायर थीटा जोड़ दिया जाएगा, कॉट मान थीटा का मान कोई भी वैल्यू रखेंगे जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के मान के बराबर आएगा। यही हमारा तीन जो आइडेंटिटी है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में, इन्हीं तीन आइडेंटिटी के अलावा पूछेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया है, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। इस वीडियो में हमने आपको तीनों सरसमिका को सिद्ध करके बता दिया कि कैसे सिद्ध होता है, इसको एकदम सही से नोट्स बना के रखिएगा, बोर्ड के परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बाबू, तो इतना आप इसको नोट्स बना के रखिए कि थ्योरी भी कहां से आता है, इसको एकदम ये बहुविकल्पी में हमारे यहां से पूछता है। उसके बाद अब हमारा ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस, जहां से बोर्ड के परीक्षाओं में 6-6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मेन उसी पर हम लोग का फोर्स रहेगा, लेकिन ये नहीं जानेंगे तो वो नहीं आएगा। तो ये आप सब जान जाइए सही से, क्योंकि यहां से भी हमारे 4 नंबर का बहुविकल्पी, 2 नंबर का ये सभी पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गया कि तीनों आइडेंटिटी सरसमिका जो है कैसे सिद्ध होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अभी जुड़े नहीं है तो चैनल के साथ हमारे फैमिली के साथ क्या करिए जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।